हमें कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई हमारे भीतर है। अगर आप डुबकी लगाना सीख जाएं, तो जिस सत्य को प्रकट करना चाहते हैं उस सत्य को खरीदने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, बाजार में आपको मिलेगा भी नहीं, वो हमारे भीतर है। अगर वहाँ तक पहुँच सकें तो फिर सत्य ही सत्य है, फिर परिवार हो व्यक्ति हो ठीक हो। युवाचार्य जी ने ठीक कहा, जब हमारी अहिंसा यात्रा 7 वर्ष तक चली, लंबे समय तक, हमारे सामने 3 ही शब्द थे, मैं 3 शब्दों का ही ज़्यादा प्रयोग करता कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, राष्ट्र भी नहीं, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था सारी ठीक है, तो राष्ट्र तो अपने आप सुखी बन जाएगा। राष्ट्र कोई होता नहीं, राष्ट्र में तो वे ही व्यक्ति जाते हैं, व्यक्ति जाता है, परिवार से जाता है, समाज से जाता है। आज की कठिनाई यह है कि वह सुखी नहीं, परिवार भी नहीं, राष्ट्र भी नहीं, समाज भी नहीं, और ये राजनीतिक पार्टियां भी नहीं। कारण कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व देखने को नहीं मिल रहा है। हम एक सच्चाई को भूल जाते हैं कि विरोध से आज तक कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। जहाँ विरोध है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, परिवार का हो, साधु संगठन ही हो भले, जहाँ विरोध है वहाँ कोई अच्छी बात पनप नहीं सकती। एक बहुत अच्छा अनेकांत का सूत्र हमें प्राप्त है कि पक्ष कोई प्रतिपक्ष के बिना नहीं टिकता। प्रतिपक्ष तो का होना आवश्यक है विकास के लिए, और उसके बिना पक्ष शब्द ही नहीं बनता। अगर प्रतिपक्ष नहीं है तो पक्ष शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो आज यह हो जाए कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, व्यक्ति सुखी, परिवार सुखी, राष्ट्र सुखी, एक चीज हो जाए, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व, विरोध का परिहार,